हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं न्यू हैक्स लेकर आ गई हूँ और मैंने ले लिया है कंबल। और मैं बताऊंगी आपको कि अगर आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए, और जब ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि तकिया की कमी हो जाती है घर में, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप कंबल से किस तरीके से तकिया बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने कंबल को अच्छे से फोल्ड कर लिया है और ये ले लिया है मैंने पिलो कवर। तो देखिए, इस कंबल को ना हम पिलो कवर के अंदर कर देंगे। इससे ना हमारे दो फायदे हो जाएंगे। एक तो पिलो कवर के अंदर पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है, और जब भी तकिया की कमी पड़े तब आप इसे दे सकते हैं और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट रहता है और बहुत ही अच्छी तरीके से सो सकते हैं इसके ऊपर। और दूसरा ये है कि अगर आपको कंबल उठाकर रखने हैं तो आप इसी पिलो कवर में कंबल को उठाकर अंदर अपने बक्से में रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी टिप्स है ये। और फ्रेंड, मेरी दूसरी टिप्स है प्रेस को लेकर। तो आप देख सकते हैं हमारी प्रेस कितनी गंदी हो रही है। ये बाहर इधर उधर पड़ी रहती है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। और मैंने साफ़ भी नहीं की थी क्योंकि मुझे आपके लिए वीडियो बनानी थी इसे क्लीन करने की। तो देखिए, हमने ये प्रेस ले ली है और हम एक ऐसी चीज़ लेंगे जिससे हमारी प्रेस बिल्कुल चमक जाएगी और कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, और बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्रेस बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या लेना है? हमें लेना है पेस्ट। ये देखिए, हमने एक ब्रश पे पेस्ट ले लिया है। अब इस पेस्ट को ना इस पर लगाएंगे, बिल्कुल भी हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, और इस तरीके से इसे प्रेस पर रगड़ लेंगे। और फिर देखिएगा आपकी प्रेस कैसे चमक जाएगी, बिल्कुल क्लीन प्रेस हो जाएगी आपकी। बहुत अच्छी टिप्स है ये, आप इसे अपने घर में आजमा सकते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, आप अपनी प्रेस को भी देखें कैसे चमका सकते हैं आप। और हमें पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि इसमें पानी यूज़ करेंगे तो हमारी प्रेस ख़राब भी हो सकती है। तो सूखे सूखे इसी ब्रश से बस पेस्ट पूरे पे लगा कर और हम सूखे कपड़े से या टिश्यू पेपर से पोंछ देंगे। तो देखिए, पूरे पे हमने लगा दिया था पेस्ट, अब इसे हम पोंछ लेंगे। तो हमने ले लिया है टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर से इसे हम पोंछ के साफ़ कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम इसे पोंछ लेंगे और आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि हमारी प्रेस कितनी साफ़ हो गई है। बहुत ही अच्छी टिप्स है ये आपको प्रेस को क्लीन करने की। ये देखिए, अब आप इसे टिश्यू पेपर से या कॉटन के किसी भी कपड़े से पोंछ कर इसे साफ़ कर लीजिए और आप इसे रख सकते हैं। और आप किसी डब्बे में या कहीं भी इसे बंद करके रख दीजिए, तो बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी आपकी प्रेस और जोगी तो बनी रहेगी। तो फ्रेंड, आपको ये वाली टिप्स मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देख सकते हैं हमारी प्रेस बिल्कुल क्लीन हो गई है। तो हमारी अगली टिप्स है प्रेस की डोरी को लेकर। तो फ्रेंड, हमने ये ग्लव्स ले लिया है, एक्स्ट्रा था तो हमें ये फेंकने वाली चीज़ है, ये कबाड़ ही समझ लीजिए आप इसे। तो इसमें से मैं कुछ कट करके, और ये देखिए मैंने इसमें से थोड़ा सा टुकड़ा कट कर लिया है। अब इसे ये जो डोरी होती है इसे हम इस तरीके से इसमें हैंग कर सकते हैं, क्योंकि डोरी ना इधर उधर उलझती फिरती है और फिर अंटा लगाती है तो ख़राब भी हो जाती है। तो देखिए, इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे और इसे टंग कर लेंगे इसमें, इससे हमारी डोरी एक जगह सेट हो जाएगी। बहुत ही अच्छी टिप्स है ये, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देख सकते हैं हम इस तरीके से इसे बांध देंगे। और ये ग्लव्स भी हमारा एक्स्ट्रा था, फेंकने वाला था, तो देखिए ये भी काम आ गया है। इस तरीके से आप इसे हैंग कर सकते हैं और आप इसमें एडजस्ट करके आप प्रेस को अपने से रख दीजिए। बहुत ही अच्छी टिप्स है ये फ्रेंड। तो फ्रेंड, मेरी अगली टिप्स है सिंक को लेकर। तो फ्रेंड, हमारे सिंक में ना चिकनाई जमा हो जाती है, तो आप देख सकते हैं कितना भी साबुन से आप इसे साफ़ कर दीजिए और चिकनाई ना बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसमें कॉकरोच भी हो जाते हैं। तो हमारी किचन में कॉकरोच भी हैं, तो मैं आपको बताऊँगी इस दोनों चीज़ों का समाधान एक ही है, प्याज। तो हमने प्याज का टुकड़ा ले लिया है और उसे हम इस तरीके से रफ़ कर लेंगे अपने सिंक के ऊपर। इससे ना सारी जो चिकनाई होगी वो भी सारी ख़त्म हो जाएगी और इसकी महक से ना कॉकरोच भी बिल्कुल नहीं आएंगे। और इसकी देखिए, इस तरीके से हम पूरी प्याज को इस पे पूरे पे रफ कर लेंगे सिंक पर। बहुत अच्छी टिप्स है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपकी सिंक बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, एकदम चमक जाएगी और जो भी कॉकरोच वगैरह जो भी होंगे वो कुछ भी नहीं हो। तो ये देखिए, हमने पूरी सिंक पर ना प्याज से रफ कर लिया है और ऐसा हो जाता है कि नालियों में से भी कॉकरोच आ जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि नाली में से कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि प्याज की महक ना बहुत ही स्ट्रांग होती है। इससे कॉकरोच और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं वो प्याज से ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए, पानी डाल के हम इसे साफ़ कर लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ हमारी सिंक कितनी क्लीन हो गई है। तो पूरी हमने धो दी और साफ़ कर दी है। ये देखिए, जितनी भी चिकनाई थी ना सारी ख़त्म हो चुकी है अब इसकी। अब देखिए, ये जो सिंक का जो पाइप जहाँ से लगा हुआ होता है वहाँ पे हम इस तरीके से प्याज का एक टुकड़ा रख देंगे और इससे जो पाइप है सिंक का उसमें से कॉकरोच नहीं आएंगे, क्योंकि पूरी पाइप में इसकी प्याज की महक हो जाएगी। तो देखिए कितनी अच्छी टिप्स है ये, और टिप्स आपको मेरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।
तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलेंगे आपको अगली टिप्स और ट्रिक के साथ। तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा।